नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। क्रिकेट जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज शेन वॉन अब हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। शेन वॉन 52 साल के थे। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड में उनका निधन हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। शेन वॉन थाईलैंड में अपने विला में मौजूद थे, जहां उन्हें बेसुध पाया गया। महान स्पिनर शेन वॉन ने 1993 की एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गेटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था, उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद कही जाती है। उस गेंद ने वॉन की जिंदगी बदल कर रख दी थी। शेन वॉन ने कलाई की जादूगरी से अपने समय के लगभग सभी दिग्गजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। शेन वॉन ने अपने 145 मैचों के टेस्ट करियर में 708 विकेट चटकाए, जो मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। शेन वॉन ने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2007 में खेला था। 1999 में वो ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान भी बने, लेकिन उन्हें कभी कप्तान बनने का मौका नहीं मिला था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद शेन वॉन ने आईपीएल में पहली बार कप्तानी की थी और पहले ही सीजन में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बना डाला था। दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉन ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। शेन वॉन ने यूक्रेन के पक्ष में संदेश लिखा था और रूस की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया था। वॉन ने कहा था कि वो यूक्रेन का समर्थन करते हैं और रूस की कार्रवाई को गलत बताया था। आपको बता दें कि शेन वॉन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान लेग स्पिनरों में से एक थे। क्रिकेट जगत में अगर सबसे महानतम स्पिन गेंदबाज की बात होती है तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद उन्हीं का नाम आता था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बुरी खबर है, क्योंकि शुक्रवार को ही शेन वॉन के साथ ही रॉड मार्श का भी निधन हो गया था। उन्हें पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।